नमस्कार, मैं परी चतुर्वेदी, स्वागत है आप सभी का न्यूज लाइव mpcg.com में। आई नजर डालते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खास खबरों पर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद दिग्गी राजा ने 10 सालों तक चुनाव नहीं लड़ने का संकल्प लिया था। इस बार दिग्गी राजा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि सियासी हलकों में माना जा रहा था कि दिग्गी राजा अपनी पारंपरिक सीट राजगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं ने उन्हें इंदौर या भोपाल से लड़ने के लिए अनुरोध किया है और अब सीएम कमलनाथ ने भी कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। छिंदवाड़ा में पत्रकारों ने जब सीएम कमलनाथ से सवाल किया कि दिग्विजय सिंह किस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो कमलनाथ ने कहा कि ये दिग्विजय सिंह को तय करना है। लेकिन उन्होंने, यानी कमलनाथ ने, दिग्विजय सिंह को प्रदेश की कठिन सीट से चुनाव लड़ने के लिए कहा है। कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने दिग्विजय सिंह से निवेदन किया है कि अगर वे चुनाव लड़ना चाहते हैं तो प्रदेश की सबसे कठिन 3-4 सीटों में से किसी एक पर लड़ें, जहां कांग्रेस पिछले 30-35 सालों से नहीं जीती है। माना जा रहा है कि ये एक तरह से दिग्गी राजा के लिए कठिन चुनौती है। दिग्विजय सिंह कहां से चुनाव लड़ते हैं? दिग्विजय सिंह को खुद तय करेंगे और उनसे मैंने निवेदन किया कि वह सबसे कठिन सीट अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश की 2-3-4 जो कठिन सीटें हैं जो हम पिछले 30-35 साल से नहीं जीते, वहां से चुनाव लड़ें। अंतागढ़ टेप कांड मामले में पहले ही एसआईटी की जांच का सामना कर रहे डॉक्टर पुनीत गुप्ता की मुश्किलें अभी और बढ़ सकती हैं। पुलिस ने डीकेएस अस्पताल मामले में डॉक्टर पुनीत गुप्ता के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। डॉक्टर गुप्ता का आरोप है कि डीकेएस अस्पताल का अधीक्षक रहते हुए उन्होंने गंभीर भ्रष्टाचार और आर्थिक गड़बड़ियां की थी। कांग्रेस शुरू से ही डीकेएस अस्पताल में गड़बड़ियों की जांच की मांग कर रही थी, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने एक जांच कमेटी का गठन किया था। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने डॉक्टर पुनीत गुप्ता के खिलाफ धारा 420, 409, 467, 468 और 120B के तहत मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि पूर्व सीएम रमन सिंह के दामाद डॉक्टर पुनीत गुप्ता के खिलाफ अंतागढ़ टेप कांड मामले में एसआईटी की जांच चल रही है, जिसके कारण पुनीत गुप्ता ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। मध्य प्रदेश के सियासी हलकों में माना जा रहा है कि कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह को प्रदेश की सबसे कठिन सीट से लड़ने की चुनौती दी है। इस चुनौती पर बीजेपी भी चुटकी लेने में जुट गई है। भाजपा उपाध्यक्ष विजय सूनावत ने ट्वीट करके लिखा है कि कमलनाथ जी के चेहरे की हंसी और बयान बता रहा है कि अब आए दिग्गी राजा पहाड़ के नीचे। इसके बाद विजय सूनावत ने लिखा है कि @dvijay_28 की तो लगा दी @officeofknath जी ने वाट। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान अभी भी मध्य प्रदेश बीजेपी में सर्वमान्य नेता है। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव की कमान भी प्रदेश में उन्हीं ने संभाली हुई है और चुनावी चर्चा या टिकट की दावेदारी के लिए भोपाल में उन्हीं के बंगले पर नेताओं का जमावड़ा लगा रहता है। शनिवार को शिवराज के दिल्ली जाने से पहले जहां प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह उनसे लोकसभा की टिकटों के बंटवारे पर चर्चा करने के लिए पहुंचे, वहीं पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेताओं ने भी शिवराज से मुलाकात की। वहीं उम्मीदवारों के चयन को लेकर प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि पहले प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में नाम तय करके केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे जाएंगे, जहां उन पर अंतिम मुहर लगेगी। नाते से आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा करने के लिए भी हम बार बार बैठते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। कल बैठे हैं, आज बैठे हैं, कल भी बैठेंगे और समय मिलेगा तो रात में भी बैठेंगे, कल सुबह भी बैठेंगे, रोज बैठेंगे, अनेकों बार बैठेंगे। उसमें भाग लेने मैं दिल्ली जाऊंगा और आज कुछ राज्यों के बारे में जो भी पार्टी ने अभी तय किए होंगे उम्मीदवारों के बारे में विचार होगा और फैसला होगा। आपने मध्य प्रदेश से कुछ नाम आप लेके जा रहे हैं? वो अध्यक्ष जी नहीं, मध्य प्रदेश से नाम लेने का सवाल ही नहीं है। ठीक, चुनाव समिति माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी तय करेंगे, उसकी स्थिति को मूल्यांकन करेंगे। पहले मध्य प्रदेश की चुनाव समिति की बैठक होगी और मध्य प्रदेश की चुनाव समिति की बैठक के बाद फिर केंद्र की जो अपनी चुनाव समिति है वो विचार करेगी। मध्य प्रदेश की चुनाव समिति की घोषणा विदिशा से साधना जी का नाम चर्चाओं में। शिवराज के बंगले पर शनिवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अलावा टिकट के दावेदारों का भी जमावड़ा लगा रहा। अर्चना चिटनिस, आलोक शर्मा, बीडी शर्मा, रामपाल सिंह, राजेंद्र शुक्ला जैसे भाजपा के नेता शिवराज सिंह चौहान से मिलने उनके बंगले पर पहुंचे। आलोक शर्मा ने भोपाल लोकसभा सीट पर अपने दावेदारी जाहिर की, वहीं रामपाल सिंह ने अपने क्षेत्र में शिवराज का दौरा तय करने के लिए आने की बात कही। वहीं विदिशा लोकसभा सीट से शिवराज की पत्नी साधना सिंह को चुनाव लड़ाने की भी मांग की है। राजेंद्र शुक्ल ने खुद के लोकसभा चुनाव लड़ने की दावेदारी से इनकार किया। सब बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विधानसभा का भी टिकट दिया, अब ये मेरा भाग्य कि मैं उत्तर विधानसभा से हार गया। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे महापौर पद का भी प्रत्याशी बनाया और मैं भोपाल में अभी तक जितने महापौर जीते उनमें सर्वाधिक 86,000 से अधिक मतों से जीता। तो भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता के काम का मूल्यांकन होता है
और भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देती है सभी लोग पूरे मनोयोग के साथ उसके सही बचाने के लिए तैयार हूँ। पार्टी अगर कहती है कि सांसद का चुनाव लड़ना है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, लड़ेंगे। पार्टी अगर आदेश देगी तो लड़ेंगे। क्षेत्र में विदिशा संसदीय क्षेत्र में दोहरा कार्यक्रम बनाने के लिए आ जाए, हमारे विधानसभा क्षेत्र बेगम सिलवानी में दोहरा कार्यक्रम बनाने के लिए कार्यक्रम लेने के लिए आए, पूर्व मुख्यमंत्री जी के निवास पे आए और तो कार्यक्रम निश्चित करके कार्यक्रम किया जाएगा। क्षेत्र विदिशा संसदीय क्षेत्र के करीब 1500 कार्यकर्ता कल आए थे, मंडल से लेकर पूरी इकाई है, वहाँ के विधायक, वहाँ के जिलाध्यक्ष और एक नाम, वो सिर्फ सिंगल नाम, हमारी श्रीमती साधना सिंह भाभी जी का सिंगल नाम वो देके यहाँ गए हैं और उस भावना को पार्टी हाईकमान, प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री जी और जो हमारे प्रदेश के और केंद्र के पदाधिकारी हैं उनको निवेदन कर दिया गया। तो साधना सिंह जी का क्या लगता है, निश्चित तौर पे जीतेंगी? रिकॉर्ड मतों से क्षेत्र में जीतेंगी, उनके चुनाव लड़ने से आसपास के क्षेत्रों में भी, सागर है, होशंगाबाद है, राजगढ़ है, 4-5 लोकसभा सीटों पर भी अंतर आएगा। जिंद क्षेत्र में हमारे पास बेहतर प्रत्याशी हुए हैं और सांसद ने बहुत अच्छा काम किया है, तो यदि आप और जहाँ तक मेरा चुनाव लड़ने का सवाल है, मैं लाइन में नहीं हूँ, विधायकों को शायद चुनाव लड़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमारे पास जितने लाख प्रत्याशी पहले थे। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर भाजपा नेताओं और पदाधिकारियों का जमावड़ा लग रहा है, उसको देखते हुए इस बात में कोई शक नहीं कि एमपी भाजपा की राजनीति का केंद्र अभी भी शिवराज सिंह चौहान है और प्रदेश की सत्ता गंवाने के बावजूद पार्टी में उनके रुतबे में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद शिवराज का कद और बढ़ गया है। और यह भी निश्चित है कि प्रदेश में लोकसभा सीटों के लिए टिकटों के बंटवारे में शिवराज की राय सबसे महत्वपूर्ण है। रीवा में कांग्रेस पूर्व सांसद और विधायक सुंदरलाल तिवारी के बेटे सिद्धार्थ तिवारी को लोकसभा का उम्मीदवार बना सकती है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली में हुई कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में इस पर सहमति बन गई। आपको बता दें कि सिद्धार्थ विंद क्षेत्र के कद्दावर नेता रहे श्रीनिवास तिवारी के पोते हैं। सुंदरलाल तिवारी के निधन के बाद एक सहानुभूति का माहौल रीवा इलाके में बना है, जिसका फायदा सिद्धार्थ को मिल सकता है। लोकसभा चुनाव के लिए लगाई गई आचार संहिता के कारण पुलिस प्रशासन हर जगह मुस्तैद दिखाई दे रहा है। शुक्रवार को नागपुर छिंदवाड़ा मार्ग पर वाहनों की जांच के दौरान पुलिस ने 2 वाहनों में से 80 लाख रुपए जब्त किए हैं। जांच के दौरान एक वाहन में से 30 लाख और दूसरे वाहन में से 50 लाख रुपए जब्त किए गए। वहीं पुलिस ने इसकी सूचना आयकर विभाग को दी, जिसके बाद आयकर विभाग मामले की जाँच में जुटा हुआ है। अमरवाड़ा श्रम निरीक्षक अपहरण कांड के 4 आरोपियों को अपर सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास का फैसला सुनाया है। प्रकरण की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक नितिन तिवारी ने बताया कि घटना वर्ष 2015 की है, जब छिंदवाड़ा में श्रम निरीक्षक चंद्रकांत का झंडा मंदिर हर्रई के पास से अपहरण कर लिया गया था और अपहरणकर्ताओं ने उन्हें 3 दिन तक पहाड़ी में बंधक बनाए रखा था। साथ ही फिरौती में 5 लाख रुपयों की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने पहाड़ी की घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ लिया था। निर्णय में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास हुआ है, मैं इससे पूर्णतः संतुष्ट हूँ और इससे जो सज़ा आज उनको मिली है उससे मैं समझता हूँ क्षेत्र में एक अच्छा मैसेज आएगा, जिससे लोगों के अपराध करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा। वर्ष 2015 के छिंदवाड़ा के श्रम निरीक्षक चंद्रकांत स्थापक के अपहरण कांड में आज माननीय अपर सत्र न्यायालय अमरवाड़ा ने निर्णय सुनाया है और 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सज़ा से दंडित किया है। धारा 364 का के अंतर्गत माननीय न्यायालय ने 4 आरोपियों को दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है। ग्वालियर क्राइम बेंच ने शुक्रवार को यूपी के कुख्यात बदमाश अजय जडेजा और एमपी के बदमाश भीमा यादव सहित 6 बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। क्राइम ब्रांच ने 84 इलाके में नाकाबंदी कर यूपी से आ रही 2 कारों को अपने कब्जे में लिया, जिसमें कुल 6 लोग सवार थे।
जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इनमें 50,000 का इनामी बदमाश अजय जडेजा और 30,000 का इनामी बदमाश भीमा यादव भी शामिल हैं। तलाशी लेने पर पुलिस को कार से 3 पिस्टल, 3 कट्टे और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। दरअसल भिंड के बदमाश भीमा की ससुराल यूपी के मैनपुरी में है, वहीं अजय जडेजा भी मैनपुरी का ही रहने वाला है, जिसके चलते दोनों की दोस्ती हुई। पुलिस को उम्मीद है कि बदमाशों से पूछताछ में कई और वारदातों के खुलासे होंगे। चूँकि हमारा टारगेट भीमा यादव था, जो 7 दिसंबर 2018 को पुलिस अभिरक्षा से भगा था और उस घटना में पुलिस की 2 इंसास राइफलें भी ये लोग लूट ले गए थे, तो हम लगातार इसको ट्रैक कर रहे थे। हमारी जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो ट्रैक कर रही थी। आज सुबह क्राइम ब्रांच को खबर मिली थी कि ये लोग आ रहे हैं 2 गाड़ियों में, तो हमारे क्राइम ब्रांच की टीम ने इनको इंटरसेप्ट करके पकड़ा। बालाघाट कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक राय ने शुक्रवार को चुनाव कार्य में सेवाएं देने वाले सभी कर्मचारियों की बैठक लेकर चुनावी तैयारियों की समीक्षा की और सभी कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि सभी लोग पूरी तरह से निष्पक्ष होकर काम करें ताकि आगामी चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से हो सके। साथ ही चेतावनी देते हुए कलेक्टर महोदय ने सीएमओ साहब को भी फटकार लगा दी। ये बेसिकली समीक्षा बैठक तो नहीं थी, ये तैयारियों की बैठक थी। हमारे जो फील्ड स्टाफ है, जो ग्राउंड पे एक्चुअल में काम करता है, उन लोगों को समझाइश दी गई है कि कार्य प्रारंभ कर दें और जो कुछ उनके कन्फ्यूजन्स थे, जो उनको समस्याएं थी, उनके निराकरण के लिए एक परिचर्चा का आयोजन किया गया था। तो कई सारी चीज़ें उसमें निकल के आई कि उन लोगों की समस्याएं उन लोगों को समझी और जो निर्देश, जो अपेक्षाएं हम लोगों की उनसे थी, जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं वो उनको बताए गए। नियमों के पालन के लिए उनसे हिदायत दी गई कि नियमों का पालन करना है और चुनाव। सेंधवा के ग्रामीण थाना के अंतर्गत आने वाले लोग चाटली में एक नाबालिग बालिका ने अपने पिता के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बालिका का आरोप है कि उसका पिता पिछले 3 सालों से लगातार उसके साथ छेड़छाड़ करता था और विरोध करने पर पिटाई भी करता था। बालिका की मां को जब ये बात मालूम हुई और उसने विरोध किया तो उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी की भी पिटाई कर डाली। बताया जा रहा है कि खोराम भालसे नामक ये आरोपी अतिथि शिक्षक है। पुलिस ने बालिका और उसकी मां की रिपोर्ट के आधार पर धारा 354, 323 और 506 पास्को एक्ट के तहत खोराम भालसे के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश किया, जहाँ से कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है। समीपस्थ ग्राम चटाली से कल रिपोर्ट आई थी। एक 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची है, इसको सप्लीमेंट्री आई थी, सब्जेक्ट में परेशान थी और उसने कल रिपोर्ट की कि पिछले 3 वर्षों से वह एक प्रताड़ना से गुजर रही है। उसका पिता उसके साथ सेक्सुअल असाल्ट कर रहा है। कल वो महिला बच्ची ने हिम्मत की और थाने आई, तो उसमें रिपोर्ट कायम किया गया है और धारा 354 का एक फर्स्ट, 506, 323 और पास्को एक्ट की धारा 7 का सेक्शन 8 और धारा 9 के अंतर्गत, 9/10 के अंतर्गत कायम की गई है। उसका जो पिता है वो एक अतिथि शिक्षक है और उस अतिथि जो शिक्षक पिता है बच्ची का, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको कोर्ट पेश किया जा रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।